वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। शिक्षक भर्ती को लेकर एक अपडेट आ रही है और आप जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षण अधिकारी माध्यमिक जिला परिषद नांदेड़ इनकी तरफ से एक पत्र निकाला गया है। 11 अक्टूबर का ये पत्र है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रति जो है अध्यक्ष सचिव खाजगी शिक्षा सर्व शैक्षणिक संस्था पवित्र पोर्टल लागू असणाऱ्या जिल्हा परिषद नांदेड़, इस तरीके से ये लेटर निकाला गया है। और मुख्याध्यापक अध्यक्ष सचिव इनको इस तरीके से ये लेटर भेजा गया है जो कि पवित्र पोर्टल के अंतर्गत आती है, इसको ले उसका हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। और आगे विषय में आप देखेंगे कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पवित्र पोर्टल मार्फत दूसरे टप्प्यातील शिक्षक पद भर्तीसाठी करावयाच्या कार्यवाही बाबत, तो देखिए फेज टू को लेकर दूसरे टप्पे को लेकर कार्रवाई करने की बात यहाँ पर विषय में बताई जा रही है। साथ ही साथ दो संदर्भ शासन क्रमांकों और शिक्षण आयुक्त का पत्र जो है यहाँ पर संदर्भ में बताया गया है। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक जो है वो वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि उपर्युक्त संदर्भीय पत्रान्वये पवित्रो पोर्टल मार्फत दुसऱ्या टप्प्यातील शिक्षक पद भरती बाबत शासनाकडून निर्देश प्राप्त आहेत, त्यानुसार शिक्षक पद भरतीची कार्यवाही करावायची आहे। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि शासन की तरफ से एक हिदायत दी गई है, शासन की तरफ से एक जानकारी दी है। दूसरे टप्पे को लेकर हम शिक्षक भर्ती की यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसी को लेकर कार्रवाई करने की बात इस पत्र में शिक्षण अधिकारी माध्यमिक यहाँ पर बता रहे हैं। साथ ही साथ भर्ती प्रक्रियेमधील अपात्र गैरहजर व रुजू न झालेल्या उमेदवारामुळे रिक्त झाले राहिलेले पद उर्वरित पात्र उम्मीदवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरने ही भर्ती प्रक्रियेचा एक भाग आहे। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोग किसी वजह से अपात्र हो गए या अब्सेंट थे, मतलब गैर हाजिर थे, या जो लोग ज्वाइन ही नहीं हो पाए, इनकी जो जगह खाली है वो गुणवत्ता मतलब मेरिट के हिसाब से भरने की बात यहाँ पर बताया जा रही है। साथ ही साथ यानुसार या पुढील सर्व भर्ती प्रक्रियेमध्ये गैर हजर वो रजू न झालेल्या उमेदवारामुळे रिक्त राहिलेली पदे वो उर्वरित उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरण्याच्या येणार आहेत, त्यामुळे या पदांची देखील माहिती तयार ठेवावी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन पदों की माहिती भी यहाँ पर तैयार रखने की बात हो रही है, कौन से गैर अपात्र गैर हजर और जो लोग रुजू नहीं हुए उनकी बात यहाँ पर करें, जेणेकरून सदर रिक्त पदे नव्याने येणाऱ्या जाहिरातीच्या वेळी विचारत घेता येतील। उसके बाद पॉइंट नंबर दो में यहाँ पर बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि शासन निर्णय 10/11/2022 मधील तरतुदीनुसार पोर्टलवर जाहिराती घेण्यात येणाऱ्या आहेत। दुसऱ्या टप्प्यातील जाहिराती घेऊन पद भरतीची कार्यवाही येणार असल्याने आपल्या अधीनस्थ शैक्षणिक संस्थांना याबाबत अद्ययावत बिंदू नामावलीनुसार रिक्त पदे तसेच गट व विषयनिहाय रिक्त पदांची माहिती तयार ठेवायच्या सूचना देण्यात याव्यात। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस तरीके से रोस्टर तैयार रखने को साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जगह तैयार रखने की बात यहाँ पर हो रही है। साथ ही साथ जाहिरातीची सुविधा दिल्यानंतर पोर्टलवर जाहिराती देण्याबाबत कळविण्यात सर्व शैक्षणिक संस्थांना कळविण्यात येते। इस तरीके से यहाँ पर यावेस तरीके से यहाँ पर शिक्षण अधिकारी माध्यमिक वो अपने लेटर में बता रहे हैं। साथ ही साथ आगे वो बता रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ से कि पॉइंट नंबर तीन में महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीयकरिता अधिनियम 2024 राज्यात दिनांक 26/2/2024 पासून लागू करण्यात आला आहे, त्यानुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने विविध शासन निर्णय व पत्राद्वारे वेळोवेळी निर्देश दिलेले वो सूचना विचारत घेऊन नवीन येणाऱ्या जाहिरातीमध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागास SEBC या प्रवर्गातील आरक्षण विचारत घेऊन पवित्र पोर्टलवर जाहिरात देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी। तो देखिए इस कॅटेगरी को जो है अलग से आरक्षण देने की बात हो रही है और इसका ध्यान रखना है जब भी आप पोर्टल पे जाहिरात अपलोड करेंगे, संस्था को इस तरीके से हिदायत दी गई। साथ ही साथ पवित्र पोर्टल मार्फत दुसऱ्या टप्प्यातील जाहिरातीची कार्यवाही करावायची असल्याने सदरची कार्यवाही तत्काळ करण्यात यावी व पवित्र पोर्टल जाहिरातीची सुविधा दिल्यानंतर तत्काळ त्यानुसार यापूर्वी जाहिरातीसाठी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही करावी। इससे पहले जिस तरीके से जाहिरात दी गई थी ठीक उसी तरीके से कार्यवाही करने की और तमाम चीजें जो है बिंदु नामावली के साथ कैटेगरी के साथ सब्जेक्ट के साथ रेडी रखने की बात जो है इस पत्र में बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि सुबह संदर्भ दिन पत्र यहां पर आप देख सकते हैं कि शिक्षण अधिकारी नांदेड़ इनका शिक्षण अधिकारी माध्यमिक नांदेड़ इनका, तो इस तरीके से एक फेज टू को लेकर शिक्षक भर्ती के दूसरे टप्पे को लेकर कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में इसकी बेहतर अपडेट जो है हमारे पास जैसी आती है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जो है बताएंगे। उम्मीद है आपको एक वीडियो में बताई गई चीज़ें एक एक चीज़ जो है वो ठीक ठीक ढंग से समझ आ गई है। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।